हेलो, गुड मॉर्निंग। सभी बच्चों के लिए सुप्रभात। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 की रिस्क पोएम की अगली स्टेंजा को शुरू कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, कवि जेनरेट एंड ने जीवन में जोखिमों के महत्व को बताया है, और उसी क्रम में अगली जो पंक्तियां हैं उसमें भी रिस्क कविता के माध्यम से कवि ने ये रहस्य उद्घाटित किया है कि मनुष्य के जीवन का कोई भी क्षण, कोई भी पल और कोई भी कार्य बिना जोखिम के नहीं होता है। तो हम अगली पंक्तियां जो आपके सामने ब्लैक बोर्ड पर हैं उनको मैं अध्ययन कर रहा हूं, और उनकी ट्रांसलेशन को अभी हमें आपके सामने प्रस्तुत करना है। टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न, टू लिव इज टू रिस्क डाइंग, टू होप इज टू रिस्क डेस्पेयर, टू ट्राई इज टू रिस्क फेलियर। बट रिस्क मस्ट बी टेकन बिकॉज द ग्रेटेस्ट हजार्ड इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग। टू लव इज टू रिस्क, टू लव प्रेम करने में, टू लव का होता है प्रेम करना, प्रेम करने में इज टू रिस्क जोखिम है, प्रेम करने में जोखिम है। नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न, रिटर्न करता बदले में, नॉट बीइंग लव्ड प्यार नहीं मिलना बदले में। टू लव इज टू रिस्क, प्रेम करने में जोखिम है। नॉट बीइंग लव्ड बदले में प्यार नहीं मिलना, बदले में प्यार नहीं मिलना ये प्रेम करने का जोखिम है। टू लव इज टू रिस्क डाइंग, टू लिव जीना, टू लिव करता है जीना, जीवन जीने में इज टू रिस्क डाइंग, मरने का जोखिम होता है। हम जो जिंदगी जीते हैं उसमें हमेशा सदैव यही डर सताता रहता है कि पता नहीं हम मर जाएंगे। तो टू लिव इज टू रिस्क डाइंग, जीवन जीने में मरने का जोखिम है। टू होप इज टू रिस्क डेस्पेयर, टू होप इज टू रिस्क, होप मीन्स आशा करना, आशा करना, आशा करने में निराश होने का जोखिम होता है। डेस्पेयर मीन्स निराशा, निराशा। डाइंग मीन्स मरना। टू होप इज टू रिस्क डेस्पेयर, आशा में निराशा का जोखिम होता है। टू ट्राई इज टू रिस्क, टू ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना, ट्राई मीन्स कोशिश करना, ट्राई मीन्स होता है कोशिश करना। टू ट्राई इज टू रिस्क फेलियर, कोशिश करने में असफल होने का डर रहता है। फेलियर मीन्स असफलता, असफलता, कोशिश करने में असफल होने का, असफलता को प्राप्त करने का जोखिम होता है। बट लेकिन रिस्क मस्ट बी टेकन, जोखिम जरूर उठाना चाहिए, जोखिम अवश्य ही लेना चाहिए। बच्चों, जो मस्ट है एक मॉडल है, मस्ट मॉडल है, और मस्ट का प्रयोग मैंडेटरी, मैंडेटरी का मतलब होता है अनिवार्यता, अनिवार्यता। तो जब किसी भी सेंटेंस में और किसी भी कार्य की अनिवार्यता दी हुई होती है, जो कार्य अवश्यंभावी करना होता है, हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। तो बट रिस्क मस्ट बी टेकन, लेकिन जोखिम जरूर उठाना चाहिए, जोखिम जरूर ही लेना चाहिए।
बिकॉज क्योंकि द ग्रेटेस्ट हजार्ड इन लाइफ, ग्रेटेस्ट सबसे बड़ी महानतम हजार्ड त्रासदी संकट मुसीबत, हजार्ड संकट खतरा जिसको बेटा त्रासदी भी कहते हैं, सबसे बड़ी त्रासदी इन लाइफ जीवन में इज है टू रिस्क नथिंग, जोखिम नहीं लेना। तो जीवन का सबसे बड़ा जो संकट है, जीवन की सबसे बड़ी जो त्रासदी है वह है जोखिम नहीं लेना। इसलिए कभी जेने ट्रेंड ने इस बात पर बल दिया है, इस बात पर जोर दिया है कि जीवन में जोखिम जरूर उठाना चाहिए। रिस्क मस्ट बी टेकन अकॉर्डिंग बाई द पोएट जेने ट्रेंड इन लाइफ बी मस्ट टेकन रिस्क बिकॉज द ग्रेटेस्ट हजार्ड द ग्रेटेस्ट पेन इन लाइफ इज नॉट टू टेक रिस्क। जीवन में जोखिम नहीं लेना ही सबसे बड़ा खतरा है, सबसे बड़ा संकट है। द मोस्ट ट्रबल इन लाइफ, जीवन का सबसे बड़ा संकट क्या है? नॉट टू टेक रिस्क इन लाइफ, जीवन में जोखिम नहीं लेना ही जीवन का सबसे बड़ा संकट है। एक बार पुणे जैसे कल आपको बताया था कि जब हम इन चार पंक्तियों को पढ़ लेते हैं तो हमारे प्रश्न पत्र में पेपर में एक क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन का आता है, और एक्सप्लेनेशन का तो होता है व्याख्या। एक्सप्लेनेशन में कल भी आपको पहले वीडियोस में हमने आपको तीन चरण बताए थे, थ्री स्टेप्स थ्री फेजेस आर इन एक्सप्लेनेशन। व्याख्या के चार चरण होते हैं, तीन चरण होते हैं, जिनमें पहला चरण उन्हें आपको ये बता रहे हैं रेफरेंस, रेफरेंस। तो जैसे इसका हम थोड़ा दो चीज तो लिख ही देते हैं, दीज लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, फ्रॉम द पोएम रिस्क, कंपोज्ड बाय द स्टाइलिस्ट पोएट जेने ट्रेंड। और इसी का दूसरा जो चरण होता है, फेज होता है, वो होता है कॉन्टेक्स्ट। इन दीज लाइन्स द पोएट मेंशंस About the risks in every respect in life। अगला इसके बाद जो लास्ट होता है वो होता है एक्सप्लेनेशन। व्याख्या आपको जब पढ़ाएंगे, जब पूरा लेसन कंप्लीट हो जाएगा, तो इस तरह हमारा यहां आज आपको अगले जो तीसरा वीडियो होगा उसमें आपको लास्ट इसकी अंतिम पंक्तियों का ट्रांसलेशन करके और आपको एक्सप्लेनेशन के बारे में बताएंगे, और फिर इसी अध्याय के आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स कराए जाएंगे। सभी बच्चे अपने फेयर कॉपी में इनको उतारें, इनके मीनिंग्स को लिखें, इनको याद करें, जिससे हम हमारे मकसद में कामयाब हों। वीडियो यदि आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें। जय हिंद।